तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। एक डेमो क्लास है वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के ऊपर और हमारे साथ विवेक जी हैं। विवेक जी, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स करना चाहूंगा और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए मैंने अपने स्क्रीन पे इसका लोगो भी लगा रखा है। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के ऊपर कि वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग क्या है। सबसे पहले इस चीज को जान लीजिए कि एक्सेल को मैंने दो भागों में बांटा हुआ है। एक भागों में बांटा हुआ है जो कि इनबिल्ट फंक्शन है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल में जो इनबिल्ट फंक्शन बना के दिया है वो पहला पार्ट मैं समझता हूँ। दूसरा पार्ट होता है वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, मतलब कि कुछ ऐसी जरूरत जिसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ इनबिल्ट किया ही नहीं है, कुछ बनाया ही नहीं है, चाहे वो फॉर्मूला हो, चाहे वो कमांड हो या कोई ऑप्शन हो, तो उन चीजों के लिए आप खुद से प्रोग्रामिंग करके वीवीए के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। उसका बेनिफिट क्या होता है? उसका बेनिफिट होता है, दो बेनिफिट है। एक कि अगर मान लीजिए कुछ कैलकुलेशन, कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, अगर आपने बना लिया तो काम आपका हो जाएगा, तो जो जरूरत की जरूरत को पूरा करता है। दूसरा, रिपोर्ट ऑटोमेशन, मतलब कि जैसे कोई काम आपका है और जो घंटों का होता है उसको वीवीए जब प्रोग्राम कर देंगे तो वो मिनटों में हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं ऑटो पायलट। जैसे कि प्लेन को फ्लाई करने के लिए दो पायलट की जरूरत पड़ती है, लेकिन ऑटो पायलट भी प्लेन को फ्लाई कर सकता है एक सिचुएशन में, एक कंडीशन में। उसी तरीके से आपकी माइक्रोज को 100% या कुछ पर्टिकुलर पार्ट को आप ऑटोमेट कर सकते हैं, क्योंकि आप एक बटन पे क्लिक करेंगे और काम हो जाएगा जिसको करने में आपको घंटों लगता है। दिस इज द वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग जो है 2003 से ही मैं यूज करते आ रहा हूँ। जब ऑफिस 2003 यूज करता था, आई थिंक मैंने स्टार्ट की थी 2007 में। 2007 से मैं वीवीए प्रोग्रामिंग को यूज कर रहा हूँ। दूसरी चीज, इस प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए आपका बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग होना जरूरी नहीं है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मैंने सीखा था तो 10 मैंने 12 पास ही किया था। 2007 मैंने ग्रेजुएशन की एडमिशन ली थी और मैं वीवी यूज कर रहा था। तो अब मैं बोलूंगा, मैंने ग्रेजुएशन से पहले अपना कैरियर एक्सेल में कैसे स्टार्ट कर लिया, तो बेसिकली मैंने एक्सेल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था जब मैं 9th में था। क्यों, कैसे? बेसिकली हमारे अंकल हमारे यहाँ के ग्रामीण बैंक में थे और ग्रामीण बैंक जो था वो ऑनलाइन हो चुका था, मतलब कि कंप्यूटराइज हो चुका था, बिल्कुल रजिस्टर जिनसे होता था पूरा कंप्यूटराइज हो चुका था। मेरे अंकल के रिटायरमेंट के बाद 2 साल बचे थे, तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि आप मेरे बिहाफ पे कंप्यूटर क्लास ट्रेनिंग ले लो जो कंपनी दे रही थी, और तुम आके मुझे भाउचर एंट्री कर देना, 1.5-2 साल की बात तो है, हम यहीं से निकाल लेंगे, अब क्यों जाए बुढ़ापे में सीखेगा, क्योंकि एज भी 58 एज ए डॉक्यूमेंट, बट रियल में उनकी 65 एज थी। तो मैंने सीखा था, उसी समय से मैंने स्टार्ट किया था ऑफिस 95 और वहां से मैंने एक्सेल की शुरुआत की थी। तो मैं 12th करते करते मेरे पास 4 साल का टाइम हो गया था और एक्सेल पे अच्छा खासा नॉलेज हो चुका था। अंकल तो रिटायर हो गए थे, बट मैं 10th करने के बाद ही मैंने जॉब पकड़ लिया, भाई और दोनों साथ साथ चलने लगा है पार्ट टाइम, तो एक्सेल पे अच्छी खासी पकड़ इसीलिए मेरी बनी, क्योंकि मैं स्कूल के टाइम से ही एक्सेल को एज ए प्रोफेशनली यूज कर रहा हूँ। देखिए, लोग तो बड़े कंप्यूटर तो आप लोग भी यूज करते होंगे बहुत दिनों से, लेकिन क्या था कि आप लोग उसका ऐसे स्टडी यूज करते होंगे, मैंने उसको एज ए प्रोफेशनली यूज किया, उसको काम किया। चलिए, तो मेरे बारे में बात हो गई, अब बात करते हैं वीवीए प्रोग्रामिंग के बारे में। मैं ऐसा ये जो स्टोरी इसलिए बताया ताकि आपको ये लगे कि हाँ, वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग सीखने के लिए प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड का होना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वीवीए प्रोग्रामिंग सीखने से पहले ही डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि मैंने कोई आईटी कोर्स तो किया ही नहीं, मेरे पास किसी तरह से प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड C#, C#, वगैरह, जावा वगैरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं सबको कहना चाहता हूँ कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस आपको एक्सेल की अच्छी नॉलेज आनी चाहिए तो आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। उसका एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। तो अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। जैसे कि ऐसा क्यों है, मतलब तो मान लीजिए कि मुझे प्रोग्राम बनाना है सिंपल सा, कि मैं यहां पे कर्सर रखूं और यहां पे नेम लिख दू, यहां पे कर्सर रखूं, मैं यहां पे रोल नंबर लिख दू,
यहाँ पे कर्सर रखूँ और मास्क एक सिंपल सा एक सिंपल सी प्रोग्रामिंग आपको समझा रहा हूँ बिकॉज आपकी फर्स्ट डे है तो अगर मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम रखूंगा तो आपके सर के ऊपर चला जाएगा तो मुझे अपने आपको यहाँ शो नहीं करना है बस आपको एक्सप्लेन करना है। तो वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग पे आते हैं तो सिंपली हम एक्सेल में क्या करेंगे अगर एक्सेल में अगर पहले तो हम एड करते हैं डिफाइन करते हैं माइक्रो तो हम सिंपली क्या करते हैं कि हम पहले तो टाइप करने के लिए मान लीजिए मुझे एफ1 पे टाइप करना है तो पहले हम एफ1 पे कर्सर ले जाते हैं ना तो यहां भी उसी तरह कोड लिखना होगा कि रेंज F1 डॉट सेलेक्ट F1 डॉट सेलेक्ट आपको पता है F1 क्या है F1 क्या हो गया F1 आपका एड्रेस हो गया सेल एड्रेस यहां पे सेल को रेंज कहा जाता है VBA के अंदर में और सेलेक्ट तो पता ही कि उस पर कर्सर रखना दैट इज सेलेक्ट करना उसके बाद मुझे इस पे मान लीजिए नेम लिखना है तभी क्या है हम सिलेक्शन पे नेम लिख रहे हैं तो यहां सिंपल सा हम क्या करेंगे यहां लिखेंगे सिलेक्शन डॉट नेम तो सिलेक्शन डॉट वैल्यू मान लीजिएगा वैल्यू इक्वल टू नेम अब हमने इन्वर्टेड कॉमा में क्यों लिया क्योंकि आप एक्सेल में भी जानते हैं कि जब कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो कोई टेक्स्ट देने के लिए दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमा लगाना होता है तो ये भी नेम एक टेक्स्ट है इसलिए हमने यहां भी इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया तो एकदम आपकी एक्सेल से रिलेट करता है तो आपको समझने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी विवेक जी मैं सही बोल रहा हूं विवेक जी हम अनम्यूट करके बात कर सकते हैं सर विवेक जी आप अनम्यूट कीजिए ना पहले नाम का आगे जो सिंबल है उसको क्लिक करके अनम्यूट कीजिए अच्छा ये अनम्यूट कैसे हो गया मैंने हाँ। स्टार्टिंग में कर दिया था ये समझ में आ गया सर आपको कि प्रोग्रामिंग जो है आप एक्सेल जानते हैं तो एक्सेल से रिलेट करके सीख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है एक्सेल की नॉलेज है और बाकी कुछ मैंने मैक्रो की थोड़ी बहुत वीडियो इसके यूट्यूब पे देखे हैं वहां से थोड़ी सी नॉलेज ली है कैसे कर दें तो वहां से थोड़ा सा इंटरेस्ट लग गया ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है सीखनी चाहिए हाँ तो मैं जैसे कि मैं बता रहा था कि इसको सीखने के लिए प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं चाहिए क्योंकि एक्सेल से रिलेट करता है एक्सेल आता है तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लिखने में ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा मन से ना जैसे कि आप अगर हिंदी जानते हैं तो संस्कृत सीखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि बहुत सारे वर्ड हिंदी से ही संस्कृत में हिंदी में आया है हिंदी से संस्कृत नहीं संस्कृत से हिंदी में आया है तो समझ में आ जाता है ना कोई श्लोक बोलता है तो कुछ पार्ट तो हम समझ जाते हैं ना क्योंकि हिंदी था तो सेम उसी तरह से यहाँ भी है कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी सीखने में ओके क्लियर है क्लियर है सर हम बात करते हैं हमारे इस कोर्स के बारे में कि हमारा जो कोर्स है कोर्स क्या है कैसे आप इस कोर्स को क्या 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 पार्ट है चलिए तो आपने मेरी वेबसाइट ipt.india.com पे गए थे ipt.india.com में अगर आप आते हैं तो हमारा यहाँ कोर्स दिखेगा VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग एक्सेल VBA माइक्रो दिख रहा होगा इसमें देखिए इसके पार्ट जो है इसके पार्ट है माइक्रो प्रोग्राम मैक्रोज है फंक्शन है यूजर फॉर्म और सबको मिलाते हैं रिपोर्ट ऑटोमेशन इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो 45 घंटे की है ये 45 घंटा जो है ये एवरेज है ये फिक्स नहीं है सर ऐसा नहीं कि 45 घंटा इतनी 47 घंटा ये हो सकता है कि 35 से 40 हो जाए या 50 से 55 हो जाए या हो सकता है कि 60 हो जाए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जैसे मैंने क्लासेस की टाइम एवरेज 45 मिनट की रख रखी है राइट उसमें क्या होता है कि कुछ क्लासेस 30-35 मिनट में खत्म हो जाती है मान लीजिए आपको मैंने सबसे समझाया आपको सब कुछ समझ में आ गया टॉपिक खत्म हो गई आपने कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया तो चाहे इसकी बात है क्लासेस 45 मिनट से पहले हो जाएगी आप क्या करें कि हर टॉपिक के बाद 2-3 क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन बताने में टाइम लग रहा है तो आपकी क्लासेस 45 मिनट की जगह पे घंटे 1.5 घंटे की भी जा सकती है हम टॉपिक के अकॉर्डिंग चलते हैं बस
तो बेसिकली इसके पांच पार्ट है. पहला है मैक्रो प्रोग्रामिंग, इवेंट मैक्रो प्रोग्रामिंग, फंक्शन, यूजर फॉर्म एंड अदर एप्लीकेशन कनेक्टिविटी. चार जो है मेन पार्ट इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है. इसमें हमने आपके साथ डिस्कस करेंगे 11 टॉपिक से, जिसमें बेसिक टू एडवांस होगा. समझ गए? तो आप इसमें जान लीजिए कि एक जो है आर्टिकल्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको वहां पे वेबसाइट पे मिल जाएगा इसमें क्या क्या कंटेन मैंने डाला हुआ है. अभी जो कंटेन डली हुई है ये मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं. मतलब कि अगर आपने कंटेन को देखा आपको ऐसा लगा कि कोई रिव्यू का पार्ट इसमें मिसिंग है, समझे ना, ऐसा लगा कि कोई चैप्टर या कोई पार्ट या किसी तरह का एग्जाम्पल मिसिंग है, यू कैन इंक्लूड. ठीक है सर. ठीक है, आप इंक्लूड कर सकते हैं. अगर इससे रिलेट करती है तो हम आपको जरूर पढ़ाएंगे. अब ऐसा हो सकता है कि जो आपने मुझसे पूछा मैंने इससे पहले कभी कुछ पढ़ाया नहीं है, मैं कुछ कभी उससे यूज नहीं किया, तो जाहिर सी बात है कि मुझे इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं होगा. तो हम इस पर रिसर्च करेंगे फिर आपको पढ़ा देंगे. क्योंकि मैं ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि आई एम द परफेक्ट. क्या कुछ ना कुछ कमी तो मेरे अंदर भी तो हो सकती है ना सर. परफेक्ट तो सर कोई नहीं होता इस दुनिया में. इसलिए मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कि मेरे तरफ से दी गई कंटेंट ये हमारा मिनिमम है. आप इसमें अपने हिसाब से कोई भी टॉपिक को इंक्लूड कर सकते हैं. अगर ऐसा हुआ कि टॉपिक मुझे ना आता होगा तो हम उस पर रिसर्च करेंगे और रिसर्च करने के बाद फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे. अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर दोबारा से रिसर्च करेंगे एंड दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे. और आपके टॉपिक्स को मैं मोस्ट वेलकम करूंगा क्योंकि आपकी क्वेश्चंस आपका टॉपिक ही तो मेरा नॉलेज बढ़ाने का काम करता है. ठीक है, दूसरी चीज है इसमें जो मैं एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल किसने किसी ऑफिस की रियल लाइफ प्रॉब्लम होगी. क्योंकि मैं सिर्फ एक्सेल ही नहीं करता, मैं एक्सेल के साथ साथ हूँ रिपोर्ट कंसल्टेंट. क्या हूँ? रिपोर्ट कंसल्टेंट. तो बहुत सारे रिपोर्ट वगैरह बनाने का काम मैं करता हूँ तो डेली बेसिस में आते हैं. दूसरी चीज है कि यूट्यूब पे मैंने अपना नंबर डाल रखा है तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे वो डायरेक्टली कॉल करते हैं. उनके भी क्वेश्चन अगर मुझे लगे कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छी चीजें हैं और ये सबको पता होना चाहिए, देन हम उसको अपने क्लास के टॉपिक में इंक्लूड कर लेते हैं. तो मेरी जो दूसरी चीज है, आपकी जो प्रोजेक्ट मिलता है वो मेरे किसी न किसी क्लाइंट का प्रॉब्लम होता है, हम आपको पास आउट कर देते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है इसको बनाओ. उससे बेनिफिट क्या होता है कि आपको मेरे माने कि बहुत सारे होते हैं ना, बहुत से ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं कि एक ही एग्जाम्पल गिर से चलाते हैं. उनके पास बुक होता है, बुक को पलटते जाते हैं उसी को बताए जाते हैं और बुक साल में 5 साल में 10 साल में एक बार उसको रिवाइज किया जाता है. मेरे यहाँ सिस्टम नहीं है. मेरे यहाँ आप अगर मेरी वीडियोज देखें, अगर मान लीजिए आप एक सिंपल सा लूप का एग्जाम्पल उठा लें तो लूप से रिलेटेड मेरे पास 100 वीडियो निकलेंगे यूट्यूब पे और 100 के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल होंगे. कुछ ना कुछ तो नया उसमें होगा ही होगा, ये मेरी गारंटी. क्योंकि हर क्लास में मैं सोचता हूँ कि इस क्लास में नया क्या पढ़ाऊं जो कि मैंने आज तक किसी को नहीं पढ़ाया. तो ऐसे टॉपिक मैं हर क्लास में डालने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, तो अब हम समझ में आ गया आपको सर. तो मंडे टू फ्राइडे आपको एवरेज 45 मिनट की क्लास मिलेगी, 45 to 1 आवर. एंड इसकी कोर्स ड्यूरेशन पड़ेगी आपको तकरीबन 45 से 50 घंटे की, जो कि तकरीबन दो महीने के आसपास लग जाएगा. ठीक है सर, एक रिक्वेस्ट है. हाँ पूछिए. अभी मेरा हर मैं ऑफिस में काम करता हूँ तो वीकेंड पे या फिर हॉलीडे उस पे आप कर सकते हैं? हाँ, मैं आपको एक बार इस पर भी डिस्कस करता हूँ. उसके बाद क्या है कि इसमें आपको जो है प्री रीज्वाइनिंग का ऑप्शन मिलता है. क्योंकि मैंने आपको प्रोग्रामिंग पढ़ा दिया और आप ऐसा तो नहीं है कि सारी प्रोग्रामिंग आपको आ गई, आप कुछ दिन बाद अगर यूज ना करेंगे तो भूल भी जा सकते हैं ना. तो उस केस में क्या होगा कि हम आपको प्री रीज्वाइनिंग का ऑप्शन देंगे कि आप आइए हमारे किसी भी लर्निंग बैच में हमारी क्लासेस को ज्वाइन. हर क्लास की वीडियोस मेरा सॉफ्टवेयर खुद ब खुद रिकॉर्ड कर देगा, नहीं तो मैं रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगा. कभी कोई वीडियो मिसिंग हो जाती है या फिर आप इससे डिलीट हो जाती है तो मेरे पास कुछ वीडियोस पड़े होते हैं, आपकी क्लास की हो सकती है या फिर किसी और की क्लास की सेम टॉपिक की वीडियोज मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा.
ठीक तो ये सारी चीजें हमारी क्लासेस में हैं जो कि हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है सर।